देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। पीलीभीत में बीते दिनों मर्चेंट व्यापारी के साथ हुई लाखों की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए सात सातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से लूट के 4,28,000 रुपए की नकदी, 3 अवैध तमंचा सहित कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि आरोपी प्रेस का सहारा लेकर पुलिस को गुमराह कर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। जो घटनाओं में प्रेस लिखी स्कूटी व बाइक का प्रयोग कर घटनाओं को अंजाम देते थे। घटना थाना सुनगढ़ी क्षेत्र की है। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं शातिर बदमाश प्रिंस यादव, नितिन यादव, हरेंद्र बाब, प्रमोद, आकाश एवं अंकित। अपने साथी साहित के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से प्रेस लिखी स्कूटी बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। राह चलते लोगों की रैकी कर लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बीते दिनों आरोपियों ने पीलीभीत के मर्चेंट व्यापारी अयाजुद्दीन के साथ विशलपुर रोड निकट चौपाल सागर के पास अवैध तमंचा रखकर लाखों का कैश लूट कर मौके से फरार हो गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित व्यापारियों की तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज। आईजी जॉन बरेली के निर्देश पर पीलीभीत एसपी ने एसओजी टीम सहित 12 पुलिसकर्मियों को लगाकर घटना की जांच पड़ताल शुरू करते हुए मुखबिर की सूचना पर अलग अलग स्थानों से लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शातिर बदमाशों के पास से लूट किए गए लाखों रुपए व तमंचा सहित कारतूस व घटना में प्रयोग की गई प्रेस लिखी स्कूटी बाइक बरामद की गई है, जिसको पुलिस ने बरामद किया है। सात बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। फरार दो बदमाशों की तलाश जारी है। 4 जनवरी को एक अयाजुद्दीन नाम के व्यवसायी का एक मुनीम वसूली करके लौट रहा था। उसको कुंगेरी थाना क्षेत्र में एक स्कूटी सवार और एक बाइक से सवार लोगों ने उसको धक्का दे गिरा दिया और तमंचे दिखाकर उसके पास से पैसे लूट ले गए थे। इसमें पुलिस निरीक्षक पीलीभीत और उनकी टीम ने काम किया और काम इसमें जो उसका खुलासा किया है अपने उसके द्वारा आज इन्होंने 4,28,000 रुपये बरामद किए हैं। तमंचे और खड्डा उनको गिरफ्तार किया। इसमें कुछ 7 लोग थे, 2 अभी जो है इसमें फरार हैं। इन लोगों ने घटना को जैसा बताया गया कि घटना को ये प्रमोद नाम के व्यक्ति जहाँ से वसूली करके आते थे उसने इसको कर्ज की वजह से रेकी कराया और फिर दोस्तों को बुला करके इसको जो 2 बार पहले रेकी किया और तीसरी बार उन्होंने घटना को अंजाम दिया। इस तरह से उन्होंने करीब 14 से 15 लाख के बीच रुपये उन्होंने लूट किया था। शेष पैसों की बरामदगी अभी नहीं हो पाई है क्योंकि उन्होंने बांट लिया है, उसमें बहुत सारे खरीद लिया है, उसमें बरामदगी सीख की जाएगी। तो बिल्कुल उनके पास से पैसा है उसे बरामद करके जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।